आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। सो हाय गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक जेके एडिटिंग। तो अगेन ये वीडियो के साथ आज हम ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिट करेंगे अलाइट मोशन ऐप से। तो बने रहे गाइस वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बता दूंगा कहां पर से इफेक्ट लगेंगे, कौन से लगेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम अलाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे और अपना बीट मार के उसको हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लेना अपने अलाइट मोशन ऐप में। और आपको मटेरियल मिल जाएगा टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन में। तो कोई भी प्रॉब्लम हो अगर एडिटिंग में तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर हमने बीट मार्क को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपना यहाँ पर जो भी बीट मार्क है प्लस उसको हम बीट मार्क को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये बीट मार्क है, सबसे पहले हम यहाँ पर फोटोज़ नहीं ऐड करेंगे। फोटोज़ से पहले हम कुछ यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पर पहले ग्रुप आएगा तो ग्रुप को बाद में ऐड करना है, पहले फ़ोटोज़ को ऐड करेंगे। तो फोटोज़ अपने यहाँ पर इस बीट मार्क से स्टार्ट हो गए 4.20 सेकेंड के बाद। तो प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कोई भी फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, पूरे फ़ोटोज़ नहीं ऐड करूँगा। और यहाँ तक हो सके जितना जल्दी आपको वीडियो को एडिटिंग करके बता दूँ तो फालतू में आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। मेरी कोशिश हर वीडियो में यही रहती है, आप धैर्य बनाए रखें कि हमारा टाइम बर्बाद मैं नहीं करूंगा यहाँ तक। और भाई के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर हम 30 सेकेंड तक फोटोज़ ऐड करेंगे, उसके बाद में आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी फ़ोटोज़ ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से 30 से आगे निकल गए, 40 पे हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो अपना जो भी ग्रुप्स है उन ग्रुप्स के अंदर हम उस ग्रुप को ऐड कर लेते हैं। तो बैक आएंगे अपने यहाँ पर, आपको सेक पेड बाई जेके एडिटिंग कुछ ऐसा मिलेगा ग्रुप नंबर 1, तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी लेयर कर देंगे। कॉपी लेयर करने के बाद बैक चलाएंगे, बीट मार्क पे क्लिक करना है, उस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देंगे। तो पेस्ट लेयर हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले लेयर को यहाँ तक रखना, ये इतना टाइप किया हुआ मिलेगा। उसके बाद हम सेकेंड लेयर को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो आएगा इस लेयर 2 बीट मार्क तक तो यहाँ पर आएगा, टिप टिप वर्षा पानी, ये तो आपको यहाँ पर एडिटिंग किया हुआ मिलेगा, इतना कुछ नहीं करना। उसके बाद में इसके बीच में जो यहाँ से इस बीट के बीच में वर्षा यहाँ पर ये वाला आएगा तो हम उनको पेस्ट करेंगे। फिर से यहाँ पर ग्रुप 1 नंबर पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो भी अपना वीडियो है लिरिक्स है उसको टाइप कर लेना। तो वर्षा यहाँ पर BRSA कुछ जल्दी में टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। और उसके बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट करना है, अगर फॉन्ट आपको यही वाला चाहिए तो मैं उसको दे दूँगा टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तक हो गया, उसके बाद हम फिर से हम यहाँ पर हमारा लास्ट वाला ग्रुप है तो हम इसको पेस्ट 2 लेयर कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे पानी। तो इसको एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर पानी तो टाइप कर लिया। उसके बाद ये अपना जो भी डॉक्टर ड्रेक है ये वाला फॉन्ट मैंने यूज किया, इसको दे दूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अपने फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, तो इन फ़ोटोज़ को कैसे ऐड करना। तो सबसे पहले हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद में यहाँ पर अपना जो भी सेक पेड है इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो पर क्लिक करना, फर्स्ट वाला फ़ोटो है इसका इफेक्ट आपको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी इफेक्ट हो गया, उसके बाद हम फिर से बैक चलाएँगे बीट मार्क पर। बीट मार्क पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाले फ़ोटोज़ है 2, इन पर ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट कर लेना है। वो पेस्ट हो गया,
उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट वाले इफेक्ट को कर लिया, फिर से बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर सेकंड पेड पर क्लिक करना आपको, और यहाँ पर सेकंड फोटो वाला जो उसका इफेक्ट कॉपी करेंगे हम। तो यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद बीट मार्क पे आएंगे दोबारा, तो यहाँ पर अपने फोटोज़ के ऊपर हो गया था बीट मार्क। उसके बाद हम यहाँ पर ये टू फोटोज है इनके अंदर ये वाला इफेक्ट पेस्ट करेंगे हम। इसके बाद में आपको थ्री बीट मार्क मिलेगा, तो इसके अंदर हो गए और इसके भी ऊपर हो गया। उसके बाद में थ्री बीट मार्क है, तो इसके लिए बैक आएंगे, यहाँ पर सेकंड पेड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फोटो नंबर थर्ड पे क्लिक करना है जो इस साइड ये वाला इफेक्ट है जो अपना पेस्ट हो रहा है, जो स्क्रोलिंग हो रहा है। तो इसके जो बीट मार्क पर चले जाएंगे, यहाँ पर थ्री बीट मार्क पर हमें क्लिक करना है। थ्री बीट मार्क में ये वाला फोटो है, तो इसको हमने पेस्ट कर लिया। इसके बाद ये इस साइड फोटो जा रहा है, तो इसके सामने आए वो वाला इफेक्ट हम इसको पेस्ट करेंगे थ्री बीट मार्क के बाद में। तो ये वाला लास्ट वाला इफेक्ट है, इसको हमने कॉपी कर लेना, और जो सामने वाला इफेक्ट है थ्री बीट मार्क के बाद में वन हो गया। उसके बाद सेकेंड जो भी अपना है, तो ये वाला फोटो है, तो अब पेस्ट हो गया। तो ये कुछ इस तरह से अपने को दिख जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद में ये वाला इफेक्ट है और इसको, तो यहाँ पर इस वाले इफेक्ट को जो सेकंड इफेक्ट हमने लगाया था फर्स्ट शुरुआत से सेकंड वाला इफेक्ट है, इस पर फोटो पर क्लिक करना, यहाँ पर थ्री पर कॉपी करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद हम आगे चले आएंगे, यहाँ पर बीट मार्क है, टू बीट मार्क के बाद में आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है, फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है उसके अंदर। तो पेस्ट हो गया, फिर से हम छोड़ देंगे, और टू बीट मार्क का यहाँ पर है, तो इसके अंदर अपना इफेक्ट नंबर फर्स्ट नहीं सेकंड आएगा, और दो 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 फोटोज़ के अंदर आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। फिर से आपको यहाँ पर इस वाली लेयर तक और इस वाले पे इसको छोड़ देना, और उस पर बाद में आगे वाला आएगा। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद सेकेंड इफेक्ट पर दोबारा क्लिक करना है, क्लिक कर लिया। जैसे कि हमारा जो भी हमने अभी ये वाला इफेक्ट जो हमने पेस्ट किया था पेस्ट हो गया था जो टू बीट मार्क के बाद में, तो ये वाला जो दो नंबर में फोटोज है ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट करना है टू बीट मार्क के बाद में। इसके बाद हमने जो फोटो पीछे बचे तो इनके फोटो पर क्लिक करना, जो फोटो स्क्रोलिंग करके नीचे आ रहा है वो अपने यहाँ पर बाकी जो फोटो बचे उन पर आएगा। तो जैसे कहाँ पर आएगा, तो जैसे मैं आपको बता दूँ, तो इन पर हो गया, इन पर हो गया, और इस पर भी हो गया। अब ये टू बीट मार्क में फर्स्ट वाला सेकेंड वाला आया था और इस पे भी आया, तो उसके बाद जो फोटोज बचे हैं उन पर ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट कर लेना है। जैसे कि इस वाले फोटो पे ये वाला इफेक्ट अपना पेस्ट हो गया, और इस पे भी ये क्या कभी दो फोटोज पे कभी थ्री फोटोज पे आएगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये वाला इफेक्ट इतना ही अपने तो यहाँ तक ये आएगा। उसके बाद इस पे दो वाले पे आएगा, दो फोटोज पहले के इफेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो आपने अभी कॉपी किया वन नंबर वाला, तो इसमें क्या है उल्टा सिस्टम। आपने अगर शुरू से एंड तक वीडियो को देखा है तो अपना वीडियो आपको इफेक्ट अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।